तो करें शुरू। हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग? आपको पता है कि मुझे लगभग आज पढ़ाते हुए 4-5 साल हो गए हैं, और 4-5 साल से ही मैं एक ऐसी किताब पे काम कर रहा था, द कंप्लीट कोचिंग ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम। पूरे मार्केट में एक भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें कंसेप्ट लिखा हो टाइप वाइज, टाइप सीक्वेंस में, पहले कंसेप्ट फिर उसी पे बेस सवाल, टाइप वाइज, लेवल वाइज। एक भी किताब है नहीं, और पब्लिश करना नामुमकिन है एक तरीके से, क्योंकि उसको बार बार लगातार अपडेट करना होता है। लेकिन मैं ऐसी किताब पे काम कर रहा हूं, हमारी टीम काम कर रही है, द कंप्लीट कोचिंग ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम। मतलब एक ऐसी किताब इतनी सीक्वेंस में जिसके बाद आपको सोशल मीडिया पे कोई रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े, आपको कोई वीडियो देखने तक की जरूरत ना पड़े। अगर आपका थोड़ा भी दिमाग है, थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल ठीक ठाक है, तो एक किताब आपके एसएससी के लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो जाए। मैं एक ऐसी बुक पे काम कर रहा हूं। हालांकि जो कमजोर बालक है, जिनको गणित से बहुत डर लगता है, उनको हमेशा से कोचिंग की जरूरत रहेगी। लेकिन वो बच्चे जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, 2-3 महीने में गणित को सिलेबस खत्म करके आगे भी बढ़ सकते हैं, उनको कभी जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए गणित को लेके, ऐसी बुक पे हम काम कर रहे थे। तो हमारी टीम ने चुप चुप के, जो मैं पढ़ाता हूं कैरेबल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे, जो भी मैं वहां पे कंसेप्ट डिलीवर करता हूं, उन कंसेप्ट्स को सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाता हूं, उसी सीक्वेंस में वो लिखते चले गए, नोट डाउन करते चले गए, और उन्होंने एक छोटी सी पतली सी जो एक आर्टिकल तैयार कर दिया। हालांकि मेरा विजन जो है वो कुछ और है, और लेकिन उसको आने में अभी टाइम लगेगा। ये उस बुक का एक छोटा सा वर्जन है, आप देख रहे हैं इस पे ताज भी लगा हुआ है, और वाकई में किताबों का ताज है। छोटी सी 100 पेज की किताब मैथ्स कंसेप्ट किंग, जिसमें गणित के हर एक चैप्टर के कंसेप्ट बहुत ही सीक्वेंस वे में और अरेंज वे में मेरी टीम ने लिखे हुए हैं। हालांकि अभी इस बुक पे काम चल रहा है, मेरा विजन जो है वो कुछ और था, कि उसमें सवाल भी ऐड करे जाएं, टाइप वाइज सवाल भी डाले जाएं, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। तो हमारी टीम ने बोला कि सर अभी इस किताब को हम पहले बच्चों को दे देते, जिससे कि कम से कम कंसेप्ट तो उन बच्चों के पास पहुंच पाए जो अभी फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं। जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो बिल्कुल इससे रिलेट करेंगे, और जो हमसे नहीं पढ़े हुए अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, आप इस बुक से चेक कर सकते हो कि आपके टीचर ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं पढ़ाने में कोई चोरी तो नहीं की है, कि आपको सारा गणित आता भी है। एक एक थ्योरम को, एक एक कंसेप्ट को इसमें बड़े डिटेल से लिखा गया है। इसके अलावा एसएससी लेवल पे गणित का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, जो कुछ है वो इसी के अंदर है, ये अपने आप में संपूर्ण है। इसमें गणित के सारे ही चैप्टर हैं, जैसे इंडेक्स में सबसे पहले ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में भी जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, आप सीक्वेंस वे में यहां पे देख सकते हैं। और इसमें अर्थमेटिक का पहले एडवांस मैथ कवर किया गया, उसके बाद अर्थमेटिक मैथ कवर किया गया है। अब ऐसा नहीं कि आया और लपेटना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने आपको ये तक बताया कि देखो इसको हम बराबर कहते हैं, ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है, ये आइडेंटिटी है, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, किलोग्राम, लॉग, रेक्टेंगल, स्क्वायर, दिखता कैसा है, बिल्कुल बारीक से एकदम पहली बच्चा, मतलब पहली क्लास का बच्चा मान के मैंने आपको समझाया है। लेकिन लेवल तो मैक्सिमम लेवल तक जाएगा। जो बच्चे कहते हैं बेसिक से नहीं पढ़ाते, बेसिक से नहीं पढ़ाते, टीचर कहते हैं कि जहरीले सवाल उगलते हैं, केवल आग उगलते हैं, तो मैं आग तो उगलता हूं, आग उगलने वाला व्यक्ति हूं, जवान व्यक्ति हूं, आपकी तरह ठंडा नहीं हूं, लेकिन उसमें कंसेप्ट अलग होते हैं। मैं स्लाइड से थ्योरी नहीं समझाता कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 बताने वाला टीचर नहीं हूं। जो भी कंसेप्ट पकड़ूंगा ऐसे पकड़ूंगा, पूरा कान को ऐंठ दूंगा आखिर तक, तब जाके मेरी एक बात खत्म होती है। हर कोई मुझे झेल नहीं सकता, और जो मुझे झेल गया वो निकल गया, और हजारों लड़के निकले हुए हैं, आप जाके देखिएगा, और दूसरा तीसरा बच्चा हमारे लगा हुआ है। अब देखिए, जैसे इसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कहां से हो गया, ज्योमेट्री, पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, एंगल क्या है, एंगल में कितने टाइप होते हैं, पूरा कोण, संपूरक कोण, समांतर रेखाएं कौन सी, इसमें छोटी छोटी थ्योरम बनती है। केवल थ्योरम ही नहीं, जो स्टैंडर्ड सवाल होते हैं ना, जो आपको अगर सीधे पता हो तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, वो स्टैंडर्ड सवाल भी इसमें डाले गए हैं, बॉक्स में बंद करके, डब्बा में बंद करके। मैं सीधा सीधा चैलेंज कहके कहता हूं कि एसएससी लेवल पे या एसएससी से एक लेवल ऊपर सीडीएस में इसके अलावा कोई कंसेप्ट बचता ही नहीं है, गारंटी है। मैं कहता हूं कि इससे बेहतरीन कंसेप्चुअल बुक पूरे मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं है, और शायद हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि इतना कोई पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को केवल सिलेबस खत्म करना, खाना पूर्ति करनी, और हम खाना पूर्ति नहीं करते, इसलिए हमारा बैच थोड़ा लंबा होता है,
कुछ बच्चे कहते हैं सर बुक बहुत महंगी है, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, सर हम कैसे लें। देखिए बुक का प्राइस का तो मेरे से कोई लेना देना है नहीं, ना मुझे कोई पैसा कमाना। मैंने अपने एडिटर से जो हमारी बुक प्रिंट करते हैं, जो मेरी प्रिंटिंग का काम संभालते हैं और जिन्होंने इस बुक को कंपाइल किया, मैंने उस बंदे से बोल दिया भाई मुझे इस बुक से एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो है केवल बच्चों के लिए और मुझे बच्चों को ही देनी है। अगर आप किसी ऑफलाइन सेंटर से भी लेंगे ना किताब तो 100-125 रुपए से आपको ज्यादा की नहीं मिलेगी और उससे कहीं ज्यादा इसमें पेज है। चूंकि ये कंसेप्चुअल वाली किताब है, आपको बोरिंग फील ना हो किसमें आपको बहुत ध्यान लगा के पढ़ना होगा, इसलिए हमने इसको कलर में प्रिंट करवाया है। तो ये आपको देखने में भी अच्छी लगेगी, आपको इस पे नोट डाउन करने में, राउंड करने में, सर्कल करने में, मार्क करने में भी ज्यादा आसानी रहेगी। तो पैसा कमाना तो इससे कोई पर्पस है ही नहीं। हाँ हो सकता है कि ये जो फ्लिपकार्ट वाले और ये जो डिलीवर करने वाली जो ऑनलाइन कंपनी है उसमें डिलीवरी चार्ज ज्यादा ले लिए, पता नहीं क्या कमीनापंथी करते हैं कि बच्चों को बुक ज्यादा महंगी पहुंचते हैं, लेकिन बेटर अगर आप किसी ऑफलाइन स्टोर से लेंगे तो 100-125 से आपसे ज्यादा बुक ये पड़ेगी ही नहीं। और एक कंप्लीट बुक है, कंप्लीट पैकेज, इससे ज्यादा ऊपर कुछ होता नहीं। केवल इसमें बेसिक थ्योरम नहीं दिए गए, जैसे सर्कल की आप जानते हो कि टेंजेंट कॉर्ड की थ्योरम एग्जांपल के लिए हर कोई बालक जानता है, लेकिन उससे एक लेवल आगे जो डायरेक्ट पूछा जाता है मैंने उसमें वो भी डाला है और उनका प्रूफ भी है स्मार्ट वे में। ऐसा नहीं कि लंबा लंबा यहां से शुरू यहां से खत्म, जो कुछ है सब स्मार्ट वे में। जैसे डिविजिबिलिटी रूल है, एक का डिविजिबिलिटी रूल भी, दो का, चार का, आठ का, 16 का, बहुत सीक्वेंस प्यारे भी में। अरे गारंटी हम आपको देते हैं कि इससे बेटर कुछ होता ही नहीं है, ना कुछ हुआ, ना भूतो ना भविष्यति, जो कुछ है यही है अपने आप में संपूर्ण। अभी जो नए चैप्टर एसएससी में ऐड हुए हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, उनकी भी थ्योरी को इस पर डिटेल में लिखा गया, बल्कि मैंने ये तक समझा कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के नियम क्या होते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है, प्रायिकता क्या होते हैं, सांख्यिकी में मीन मीडियन मोड उनकी परिभाषा, ऐसा नहीं कि ये मीन है केवल फॉर्मूला लिख दिया बात खत्म, उसका मीनिंग क्या होता है मैथमेटिकल, उसकी परिभाषा क्या है, कैसे निकालना है विद एग्जांपल, इसमें ये भी हमने ऐड किया है। क्लॉक का कभी कभार सवाल ही गणित में आता है, वैसे तो रीजनिंग में आता है, तो वो भी हमने इसमें डाला है विद एग्जांपल। देखिए जो हमारे क्लास नोट्स हैं एडवांस के और अर्थमेटिक के बहुत पहले से अवेलेबल हैं और ये अपने आप पे बेस्ट क्लास नोट्स हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उसमें टाइप वाइज में सॉल्यूशन भी अवेलेबल है कॉन्सेप्ट्स के नीचे। तो ये एडवांस मैथ वाली बुक अपडेट हो गई है, जो बच्चे एडवांस मैथ्स लेना चाहते हैं तो वो अब इस बुक को ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने दोस्तों से पूछो जिनके पास ये किताब, आप कुछ मंगा के देखिए, आप इसके बराबर में 10 किताबें रख के कंपेयर करके चेक करिए, तसल्ली करिए, बेस्ट मिलेगी, ना भूतो ना भविष्यति। तो हमने एसएससी के गणित के सारे कॉन्सेप्ट्स का एक जगह इलाज कर दिया, अब ये उछल नहीं पाएंगे आपके सामने, इस चिरकुट सी किताब से आप उनको डरा देना। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ इस किताब को लेके कि आपके जीवन में लाभदायक सिद्ध हो, जो कुछ है इस किताब की तरफ से जो भी ये कमाएगी वो आपको ही जाएगा। और ये मैंने पहले से ही सोच रखा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर इंडिया में ये किताब 10,000 बच्चों को फ्री बांटनी है। जितनी बच्चों को जरूरत होगी हम शहर शहर जाकर या ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से बच्चों को किताब फ्री पहुंचाएंगे, जिससे हर बच्चे के हाथ में किताब हो और वो गणित से बिल्कुल डरे ना, गणित के अंदर से उसका डर खत्म हो जाए और कंसेप्ट से उसकी कमांड हो, प्रैक्टिस तो वो कहीं से भी कर लेगा, वैसे प्रैक्टिस भी हमसे ज्यादा कोई कराता नहीं है, वो तो हर कोई जानता है। तो ये बुक ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बट आप कोशिश करिए कि आपके शहर के आसपास जो लोकल ऑफलाइन बड़ा बुक स्टोर है आप वहां से किताब लें, आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी ऑनलाइन के कंपैरिजन में। और बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे कि दिल्ली में बच्चों को फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी, तो आप उसमें जरूर आइएगा। तो ये बुक ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बट आप कोशिश करिए कि आपके शहर के आसपास जो लोकल ऑफलाइन बड़ा बुक स्टोर है आप वहां से किताब लें, आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी ऑनलाइन के कंपैरिजन में। और बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे कि दिल्ली में बच्चों को फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी, तो आप उसमें जरूर आइएगा।